हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू दो चीज़ें करता है, या तो वो कवरिंग बनाएगा या कहीं पर इनर लाइनिंग बनाएगा। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है ये। जैसे अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो ये हमारी बॉडी की एक कवरिंग बना रहा है, तो ये एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है। देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये दो टाइप का है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? सिंपल का मतलब है ये सिंगल लेयर्ड होता है, कंपाउंड ये मल्टी लेयर्ड होता है। अगर कोई सिंगल लेयर है तो उसे बोलेंगे सिंपल, और अगर कोई मल्टी लेयर है लाइक दिस तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। एक एक करके समझते हैं। सिंपल के फोर टाइप्स हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड, इसके दो टाइप हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। यहाँ पर एक और भी टाइप होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वो एक टाइप का मॉडिफिकेशन होता है इन टाइप के एपिथेलियल टिश्यू का। जैसे मान लीजिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उसके अंदर अगर ग्लैंड होगी तो उसे क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल देंगे। कॉलमनर एपिथेलियम है, अगर उसमें ग्लैंड प्रेजेंट होंगी तो कॉलमनर ग्लैंडुलर बोल देंगे। केवल ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन नहीं होता है, यहाँ पर सीलिया का, विलाई का, माइक्रोविलाई का, कई चीज़ों का यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड है और इसमें जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल फ्लैट होती हैं। जैसे हमारे घरों में टाइल्स होती है ना, उसी की तरह फ्लैट सेल की बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर हो गई बच्चों? क्यूबॉइडल की बात करें तो ये क्यूब लाइक सेल की बनी होती है, कॉलमनर पिलर लाइक सेल का बना होता है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ये भी पिलर लाइक सेल का बना है। बस डिफरेंस है, यहाँ पर टू टाइप्स की सेल हैं, ये है लॉन्ग सेल, ये है शॉर्ट सेल, और न्यूक्लियस इनके बेस पर प्रेजेंट होता है, यहाँ भी और यहाँ भी, जबकि यहाँ सेंटर पर होता है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस सेंटर पर ही होता है। क्या बताएंगे, एक एक करके देखते हैं। ये जितनी भी एपिथेलियम है इन सब में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इसमें भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी, सिर्फ ट्रांजिशनल में नहीं होती है, बाकी सब जगह पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। स्क्वैमस में भी है लेकिन पीछे की तरफ है, हमें दिखाई नहीं देगी। तो देखते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट सेल से बना है, टाइल्स की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। और आप देखोगे इसकी बाउंड्री जो है इरेगुलर है, सिमेट्री नहीं है इसकी बाउंड्री में, तो इसको हम टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल बताइए। स्क्वैमस एपिथेलियम की कुछ एग्जाम्पल्स लिखें। जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होता है, उस एल्वियोलाई में स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी। हमारे पास किडनी है, किडनी में होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का एक पार्ट है वोमन कैप्सूल, उस वोमन कैप्सूल में प्रेजेंट होती है पोडोसाइट लेयर, और ये पोडोसाइट लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। फिर से सुनिए, किडनी में नेफ्रॉन का पार्ट है वोमन कैप्सूल, जिसकी एक लेयर है पोडोसाइट लेयर, वो भी किसकी बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। ब्लड कैपिलरीज, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं का एक पार्ट होता है ब्लड कैपिलरीज, और वो ब्लड कैपिलरीज सिंगल लेयर से कवर्ड होती हैं। जैसे आर्टरी और वेन की बात करें, उनमें थ्री लेयर्स होती हैं, जबकि इन्हीं आर्टरी और वेन की जो कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल लेयर थिक होती हैं, और उसका नाम होता है एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसे प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस प्लूरा इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम होती है, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम का टाइप है। नर्व में न्यूरॉन्स के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिन्यूरियम बोलते हैं। तो पेरिन्यूरियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा, एंडोथीलियम, पोडोसाइट लेयर एंड इनर लेयर ऑफ एल्वियोलाई, These all are the examples of squamous epithelium. इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबॉइडल की। क्यूब लाइक सेल से बनी है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का,
एक्सक्रीशन का और सिक्रीशन का, क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। और अगर इसका फंक्शन पूछ लें तो आप बताओगे डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन। क्या बताओगे? डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन, वो इसका फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन इसका फंक्शन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जर्माइनल एपिथीलियम। सेक्स ऑर्गन को हम गोनाड्स बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? गोनाड्स। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है टेस्टिस, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है ओवरी। इन दोनों में जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथीलियम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जर्माइनल एपिथीलियम किसकी बनी होती है? ये जर्माइनल एपिथीलियम क्यूब लाइक सेल की बनी होती है। तो जर्माइनल एपिथीलियम या जर्माइनल लेयर ऑफ टेस्टिस और ओवरी किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम का, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इसके अलावा नेफ्रॉन होता है, अभी मैंने बताया था किडनी, किडनी में नेफ्रॉन जिसका पार्ट बताया था वोमन कैप्सूल, ऐसे ही नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है पीसीटी। पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर से सुनिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोले तो पीसीटी, ये किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का पार्ट है। तो नेफ्रॉन का ये जो पीसीटी वाला पार्ट है, बच्चों ध्यान से देखो, नेफ्रॉन के इस पीसीटी वाले पार्ट पर क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है और ये एक मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। क्यों, ऐसा क्यों? तो आप बताओगे इसकी सरफेस पर बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे ये हैं क्यूब लाइक सेल्स, इस तरह से ये क्यूब लाइक सेल है, ठीक है? तो ये हो गए क्यूबॉइडल एपिथीलियम और यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं, तो ऐसा लग रहा है टूथब्रश बन गया हो गया, नहीं हो गया? तो आप बताओ कि जो नेफ्रॉन का पीसीटी होता है वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथीलियम तो है बट इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे मॉडिफाइड फॉर्म से मतलब क्या है? यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गई बात? तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस ऑफ क्यूब लाइक सेल और कैसी अपीयरेंस दिख रही है? ब्रश बॉर्डर, टूथब्रश जैसा बॉर्डर बन गया है। तो आप ऐसे बोल सकते हो नेफ्रॉन के पीसीटी पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम प्रेजेंट है। फिर से सुनिए, नेफ्रॉन के पीसीटी पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम प्रेजेंट है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्यूब लाइक सेल का बना है, उसे बहुत सारे माइक्रोविलाई। पैनक्रियाज में हमारी आई का ही पार्ट होता है कोरोइड, आयरिस एंड सीलरी बॉडी। आई के तीन पार्ट दिखाए हैं यहाँ पे, कोरोइड, आयरिस और सीलरी बॉडी। इन तीनों में भी क्यूबॉइडल एपिथीलियम ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉलमनर एपिथीलियम की। कॉलमनर एपिथीलियम पिलर लाइक सेल की बनी है। इसका फंक्शन क्या है? इसके ये थ्री फंक्शन थे, इसमें से एक्सक्रीशन रिमूव कर दो, मतलब क्या बचा? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। किसका फंक्शन है? कॉलमनर का। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन किसका फंक्शन है? क्यूबॉइडल का। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन किसका फंक्शन है? स्क्वैमस का, ठीक है? तो अब कॉलमनर की बात करते हैं। कॉलमनर का एग्जाम्पल क्या है? फेलोपियन ट्यूब, जो फीमेल होती है उसमें यूट्रस होता है, फीमेल जो होती है उसमें यूट्रस होता है जिसको गर्भाशय कहते हैं, जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है। उसके दोनों तरफ एक एक फेलोपियन ट्यूब होती है और वो जो फेलोपियन ट्यूब होती है उस फेलोपियन ट्यूब में कॉलमनर एपिथीलियम प्रेजेंट होगी। सेकेंड, हमारे टेस्टिस से ही जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। फिर से सुनिए, टेस्टिस से जुड़ा पार्ट है एपिडिडाइमिस एंड दिस एपिडिडाइमिस लाइंड विद कॉलमनर एपिथीलियम। लिवर में गॉल ब्लैडर होता है, लिवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ या बाइल डक्ट हुआ, लिवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ या बाइल डक्ट हुआ, इसमें भी कॉलमनर एपिथीलियम होती है। स्टमक है, कोलोन है, रेक्टम है या फिर हम बात करें ड्यूडेनम है, इलियम है, इनमें भी कॉलमनर एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, लेकिन ये ज़्यादातर मॉडिफाइड फॉर्म होती है कॉलमनर की, सिंपल नहीं होती। सिंपल कहाँ मिलेगी? लिवर में और बाइल डक्ट में सिंपल मिलेगी। उसके अलावा सीलिया वाला मिलेगा गॉल ब्लैडर में, फिर फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिया वाला देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेंगे।